खबरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के कांवड़ मेले के दौरान कंधारी धर्मशाला मारवाड़ी निवास विश्वनाथ लॉज बद्री बावला धर्मशाला के सामने सकरी गलियों में कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के रहने वालों का दुर्गंध के कारण बुरा हाल हो रहा है। वहीं अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने ईमेल से केंद्रीय हरित पर्यावरण प्राधिकरण एनजीटी को शिकायत कर स्वास्थ्य खिलवाड़ हो रहे इस कृत्य की जानकारी दी और लापरवाही की वजह से अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां पर किच्छक कोतवाली में पुराना गल्ला मंडी रेलवे गेट पर कुछ पुलिसकर्मियों ने एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक के साथ मारपीट की, जिसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक इकरार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी है। तहरीर में उन्होंने कहा कि उनके साथ मारपीट करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। मारा हरिद्वारों ने। कितने पुलिस वाले थे? चार पांच जने थे। कहाँ से आ रहे थे तुम? बारात चला के आ रहे थे महाराजा बहन के साथ। महाराजा बहन के सामान उठा के तहरी लगा के मिल गए वो एकदम आगे छिफ्टी लेके मुझे मारा, हाथ तोड़ दिया, उंगली टूट गई, फिर चलाई भी है। छह जने थे, चार पांच जने उठा करी यहाँ से आया। मैं महाराज बहन के साथ काट भी देगा, फोन भी नहीं करा, मारने लगा मुझे। स्पष्ट नहीं है कि किसके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन ये कंफर्म है कि हमारे थाने वालों ने किसी ने भी इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है। बाकी जांच इसमें की जा रही है। लगा अभी जो है सीसी फुटेज निकाली जा रही है। उसके बाद जब सीसी फुटेज निकाल ली जाएंगी उसे देखने के पश्चात ही क्लियर होगा कि किसके द्वारा यह अपराध किया गया। पौड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के दिशा निर्देश पर प्रेक्षागृह में पोस्टल बैलेट की गणना के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आयोजित कार्यशाला में नोडल अधिकारी अमरेंद्र सिंह चौधरी ने वहां उपस्थित कार्मिकों को पोस्टल बैलेट गणना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कार्यशाला में जो निर्देश दिए गए हैं उसी के आधार पर कार्य करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर 422 ऑब्जर्वर और ARO उपस्थित रहे थे। कलियर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है, न्यायालय में पेश किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने निर्देशानुसार थाना कलियर क्षेत्र में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में 5 मार्च को थाना कलियर टीम के उपनिरीक्षक आमिर खान हमराह के साथ दोनों नहरों के बीच चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान अजमल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के सामने भी पेश किया है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। वहीं भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी भी जारी है। लक्सर के अकौड़ा कला गांव का छात्र देव निवास भी देर रात घर लौटा। बता दें कि 2 साल से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा छात्र यूक्रेन से वापस देवानी छात्र ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लगातार वहां पर भारतीयों की मदद की जा रही है। लक्सर क्षेत्र के 3 छात्र सकुशल वापस पहुंच गए हैं और परिजनों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है। कहना चाहूँगा सर, जैसे हम वहाँ से निकले ऐसे तो सर कभी ना ही हो, वही अच्छा है। अपनी स्टडी पे हमारा फ्यूचर है, आगे फ्यूचर पूरा बर्बाद होने के उस पर दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो और जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे अभी तक फंसे हुए हैं वो सब निकल जाएँ। मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सभी वहाँ पर वो सब निकल जाएँ अच्छे से। घर वाले सभी के पैनिक हो रहे हैं, मेरे घर वाले थे अभी खुश हैं, अच्छी बात है सर। और जो जो वहाँ से निकलने में हमें प्रॉब्लम आई है सर, थोड़ा ट्रबल करना पड़ रहा है, बट गवर्नमेंट ने जहाँ से बॉर्डर से लेके इंडिया तक घर पहुँचाने तक बहुत कुछ किया सर। गवर्नमेंट बहुत सर, मैं तो थैंक यू करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा। घर में बहुत खुशी का माहौल है जी, बच्चा हमारे घर पे आ गया जी, और हम तो ये चाहते हैं कि सभी बच्चे के घर बच्चे सब वापस आ जाएँ। और मोदी सरकार का बार बार धन्यवाद, मोदी जी का भी बार बार धन्यवाद। अच्छा लग रहा है जी, हमारा बच्चा हमारे पास आ गया,
काफ़ी परेशान थे जी, और जी सभी के बच्चे सही सलामत घर आ जाएं जी, बस सरकार से यही दुआ है जी। सरकार ने बहुत अच्छा करा जी, बहुत अच्छा कर दी जी। पिरान कलियर में कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे मुनीश सैनी भी शामिल हुए। बता दें कि ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज में कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुनीश सैनी ने सभी कार्यकर्ताओं को शॉल देकर सम्मानित किया। मुनीश सैनी ने कहा कि जिस प्रकार से आप सभी साथियों ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिन रात एक कर तन मन से सहयोग किया, वो काफी सराहनीय कदम है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया और पीएम की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। चुनाव की प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रहकर प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पण के साथ में काम करता है। तो चुनाव के बाद प्रत्येक हमारा जो बूथ अध्यक्ष था, जो हमारा पोलिंग एजेंट था, जो हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक था, जो हमारे सहयोगी थे, तो लगभग 200-300 की संख्या में सभी लोगों के साथ में हम लोगों ने एक अपना भोजन की एक व्यवस्था और एक अपना मेलजुल, जैसे कहता है संवाद, संपर्क और सम्मान, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। उसी उपलक्ष में सभी कार्यकर्ताओं को मेरे द्वारा निवेदन किया गया और सब लोग हमें एकत्रित हुए यहाँ पर, तो उसी के लिए सब लोग आए थे यहाँ पर ना। हरिद्वार के लंढौरा नगला इमरती स्थित एक बैंक्वेट हॉल में भारतीय किसान यूनियन अंबावता का बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता मौजूद रहे। बैठक में पहुंचे किसानों से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी कार्यक्रम पर चर्चा भी की। उन्होंने किसानों से जुड़ी अनेक समस्याओं पर क्षेत्र के किसान से बात की। इस मौके पर ऋषिपाल अंबावता ने कहा कि आज किसान की हालत खराब है, संगठन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ऋषिपाल अंबावता भारतीय किसान यूनियन के जो सुप्रीमो है, आज वो कार्यकर्ताओं को संजीवनी देने और एक किसान चेतना यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है हरिद्वार हर की पैड़ी से, उसके बारे में यहाँ किसानों को जागरूक करने का प्रोग्राम है जिसमें वो थोड़ी देर बाद जो है शिरकत करेंगे। देखिए, किसान को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाके और अपनी भारतीय किसान यूनियन अंबावता को मजबूत करने के लिए, किसान को उसके हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए उसको जागरूकता करना उसमें ज़रूरी है, जो हम लोग अपने पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। और किसानों की जो समस्या है उनको लेकर चेतन यात्रा निकाली जा रही है। सभी किसानों की जो भी समस्या है उनका समाधान जो भी होगा किया जाएगा। और इस तरह के यही उद्देश्य है कि किसानों को जो उत्पीड़न हो रहा है उनका समाधान किया जाए। उसमें दोबारा से फिर 25 तारीख से दिल्ली एक हमारी बड़ी रैली है, उसमें ही जो समाधान होगा उसके लिए उसका निर्णय वहीं लिया जाएगा उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रोग्राम में। हमारे 40 के करीब कार्यकर्ता बन चुके हैं अभी, लक्सर से लेकर इधर पूरे खादर क्षेत्र में हैं, और इधर भी यूनियन बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। किसान मजदूर हमारा जो मामला है, हम किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी एक ही बात है कि किसान जागरूक करने का जो किसान चेतना यात्रा है पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में चालू है। हर गांव-गांव जाएंगे, किसान के बीच में जाएंगे और किसान की जो समस्या है उनको जागरूक करने के लिए ये एक मुहिम चलाई है हमने। इसमें शामिल है किसान यूनियन के भी जो लोग हैं और भी किसान शामिल है, और भी कुछ लोग जो ये संगठन हैं किसान के, इनको छोड़ के आ रहे हैं। अभी हमारे साथ जो टिकैत का वो प्रदेश अध्यक्ष थारोड़, वो भी आ गया है, वो भी उसकी भी घोषणा करेंगे 2-4 दिन में। हमारे सदस्य तो यहाँ मेरे ख्याल में जो ऑन रिकॉर्ड है 10-15 हज़ार सदस्य है। हाँ, बाजपुर में ओवरलोड खनन वाहनों से तंग आकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सिंह स्टोन क्रशर, बालाजी स्टोन क्रशर, रामश्याम स्टोन क्रशर और स्थानीय पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ओवरलोड खनन वाहनों से रास्तों को काफी नुकसान हुआ है। आए दिन यहां पर ओवरलोड खनन वाहनों से हादसे होते रहते हैं, तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके पैर फ्रैक्चर हो गए और मामले में स्टोन क्रशर स्वामी को शिकायत की गई, लेकिन दूसरी तरफ मुंशी ने पल्ला झाड़ते हुए पुलिस को पैसे देने की बात कही, इसलिए अब ग्रामीण पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। हमारे डैडी यहां से निकल कर जा रहे थे मोटरसाइकिल से,
तो सिंह क्रेशर का 36 94 डंपर से उनका एक्सीडेंट हुआ। 2 लाख रुपए पूरे लगाए मैंने। मैं इनके पास गया क्रेशर वालों को, तो मुझसे कह रहे सुवार में 5 लाख रुपए महीना जाता हमारा, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ज़्यादा कुछ कहेगा तो तुझे ही मरवा देंगे हम, 20-30 हज़ार दे किसी से भी डंपर वाले से। सिंह वाले के मुंशी ने कहा, विजय ने। तो आपने शिकायत नहीं की इस बात की? शिकायत मैंने रिपोर्टर भी लगाई थी, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन्होंने। ये रोकी इस वजह से रोकी है, मान लो हमारे गांव में कोई भी लड़की जो पढ़ने के लिए भी आती है, जब बेचारी बरसात होती है तो इतना इतना पानी में गारे में क्या चप्पल उठाकर जाएंगी, सिर पर जाएंगी वो। और दूसरी चीज, कोई रिश्तेदार कहीं गाँव के अंदर मतलब शादी उदी होगी या मतलब लड़की को देखना आ तो पहले भाग जाओ, क्या इतने रास्ते गंदा लो, कहाँ को जाएंगे हम, कहाँ से शादी करेंगे। अच्छा प्रॉब्लम है भाई साहब, ये प्रॉब्लम है सारी। मामला ये है कि ये हमारा पर्सनल रास्ता है, ये सर कमर्शियल यूज़ के लिए ये रोड नहीं है। और दूसरा ये था कि ये 1.5-1.75 किलोमीटर लगभग रोड कच्चा है, ये जो पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ओवरलोड गाड़ियाँ हैं चलती हैं, और पीछे हमारा पूरा रास्ता पक्का है। इस ओवरलोड खनन की वजह से हमारा ये रास्ता पक्का नहीं बन पाया था, और इसी कारण से ये लोग कहते थे हम इसको उसका RCC बनवाएंगे, तो हमें ये हमेशा धोखा देते रहते हैं और ये हमारा मिसयूज़ करते हैं। हमारी गाड़ियों के सस्पेंशन ख़राब होते हैं, जो कि हमारा भी कमाते ये लोग हैं, हम तो हमारी जेब वैसे खाली होती है। खबर बाजपुर से है, जहां सूद कॉलोनी में सत्यभूषण सिंगला के घर पहुंचे पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया, जबकि पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने EVM गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हार का भय सता रहा है, इस कारण वो तमाम तरह की बातें कर रही है, जबकि सभी जानते हैं कि इस तरह की छेड़खानी संभव नहीं है। देखिए, अब 4 दिन बीच में बाकी है और 5वें दिन इस समय तक काफी कुछ खुलासा जो है वो छट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और जो एक युद्ध चला रहा है, एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार काम रहे, उम्मीद इस बार टूटने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में एक नया अध्याय इस बार जुड़ेगा। खबर बाजपुर से है, जहां रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज गदरपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी टोनी पठान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे टोनी पाठक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस स्थानीय नेताओं के दबाव में काम कर रही है, जिससे रेप पीड़ित नाबालिग लड़की को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही लड़की के पिता ने भी स्थानीय नेताओं पर जमकर आरोप लगाए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी बचे आरोपियों को पुलिस पैसे लेकर स्थानीय नेताओं के दबाव में बचाने का प्रयास कर रही है। मामला यह 28 तारीख को मेरी लड़की का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जो उसके पेट में गर्भ बैठा, उसे जालिमों ने उनका गिराने की कोशिश की गई, गिरा दिया और कोई इंसाफ नहीं मिला। 7 जनों के नाम उसमें दिए गए, तहरीर में दबाव में जो डाला गया तो तहरीर दी मैंने, वो 7 नामों लिए, उसमें 1 आरोपी पकड़ा गया, बाकी 6 फरार हैं। मामला यह है, सोनम नाम की लड़की है जिसके पिता का नाम असलम है, 7 लोगों के खिलाफ 376 और एक डॉक्टर है उसके खिलाफ जो है उन्होंने अपने अस्पताल में उसका जो है बच्चे का गड़बड़ी करी है, वो मुकदमा दर्ज हुआ है 28 तारीख को, और अभी आज इन्हें चिट मिली है, इन्हें बेचारे को चिक तक नहीं मिली है। जो मुकदमा दर्ज हुआ किन दिन धारों में, एक आदमी जेल गया, बाकी लोग जेल नहीं गए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हैं। पब्लिक ने मुझे बताया, मेरे आदमियों ने बताया, इन जनता ने बताया, मैं उनके साथ यहाँ आया थाने में, ये काफ़ी लोग इकट्ठे थे, हम यहाँ बैठे हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ से धरना समाप्त नहीं करेंगे। थाने में एक पोक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसके बाद गर्भपात का मामला प्रकाश में आया था। इसमें हमने मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया है, इसमें अन्य आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, और एक CCTV फुटेज भी इसमें हमारे हाथ लगा है, उस फुटेज में कुछ अहम सुराग है, उसके अनुसार ही इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मैम एक डॉक्टर और हॉस्पिटल भी शायद इसमें सम्मिलित है। इसमें एक डॉक्टर का नाम आ रहा है, अभी साक्ष्य संकलन जारी है और जैसे ही इसमें मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है तो हम उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई। देहरादून में जिला प्रशासन ने 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। मतगणना के लिए हर सीट पर 14 टेबल लगाए गए हैं। वहीं सभी सीटों की मतगणना के राउंड की तय किए जा चुके हैं। राउंड के हिसाब से देखें तो राजपुर रोड, विकास नगर और देहरादून कैंट के परिणाम सबसे पहले आएंगे। वहीं बूथों की संख्या और राउंड के हिसाब से धर्मपुर सीट के परिणाम सबसे अंत में जारी हो पाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी DR राजेश कुमार के मुताबिक हर सीट पर 14 टेबल के हिसाब से राउंड भी तय हो गए हैं। जिस सीट पर जितने बूथ होंगे उसे 14 से भाग देकर राउंड निकाल लिए जाएंगे। इस तरह जहां जितने अधिक राउंड होंगे वहां के परिणाम उतने ही देरी से निकल पाएंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।